हाय फ्रेंड्स, मेरे क्रॉस मर्सी लॉस्टर चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेमपाल सिंह है और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं आज आपको सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको एक पोर्टल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो पोर्टल है, ये अभी हाल ही में गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल का नाम है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। बहुत अच्छा पोर्टल है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है इसे लाया गया है। और जिस ये आप जो है इसका होम पेज देख रहे हैं इस वेबसाइट का, और यहाँ पर आप जब गूगल में सर्च करते हैं तो cybercrime.gov.in अगर आप सर्च करते हैं तो आप जो है इस प्रकार से वेबसाइट पर आप पहुंच सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इसका होम पेज है, यहाँ पर कुछ आपको टैब्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर होम, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स, फीडबैक, कॉन्टेक्ट अस और हेल्प। आप इन पर जो है अलग अलग तरीके से आप सारी जानकारी आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। आज मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम के रिगार्डिंग या जिस उद्देश्य से इस पोर्टल को बनाया गया है उसके रिगार्डिंग आप किस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट योर कंप्लेंट। तो यहाँ पर दो तरह की कंप्लेंट के बारे में खास तौर पर ऑप्शन दिए गए हैं, रिपोर्ट एनोनिमसली यानी कि अगर गुप्त रूप से आप रिपोर्ट करना चाहते हैं वो, और रिपोर्ट एंड ट्रैक, और यदि आप मैनुअल रिपोर्ट करना चाहते हैं अलग तरीके से जानकारी के साथ तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों ही प्रकार के प्रोसेस के बारे में भी खास जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये नया पोर्टल है और हाल ही में भारत सरकार ने इसके रिगार्डिंग नागरिकों को अवेयर भी किया था और जो है मैसेजेस भी किए थे। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अबाउट द पोर्टल, यहाँ पर पोर्टल के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस प्रकार से ये पोर्टल जो है भारतीय सरकार के द्वारा लाया गया है, और इस पोर्टल के माध्यम से वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते करने के उद्देश्य से साथ में ऑनलाइन साइबर क्राइम के रिगार्डिंग कंप्लेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के उद्देश्य से जो है इस पोर्टल को लाया गया है। यहाँ पर खास तौर पर ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट से यदि आप देखते हैं, कोई और प्रकार के कंटेंट्स जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कोई आप देखते हैं, या फिर सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट सच एज रेप, गैंग रेप तरह के कंटेंट्स यदि कोई उसके आधार पर कोई कंटेंट्स अगर आप देखते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है आप यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे दिया गया है, कंप्लेंट्स रिपोर्टेड ऑन दिस पोर्टल आर डेल्ट बाय रिस्पेक्टिव पुलिस अथॉरिटीज ऑफ स्टेट यूटी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द कंप्लेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कंप्लेनेंट्स। अब यहाँ पर जो यूटी और स्टेट से रिलेटेड कोई विक्टिम है या फिर कोई ऐसा पर्सन है या जहाँ पर भी वो घटना घटी है या फिर जो भी वो साइबर क्राइम वहाँ पर हुआ है, जिस भी क्षेत्र में हुआ है, जिस भी स्टेट में हुआ है या किसी यूनियन टेरिटरी में हुआ है, तो वहाँ की पुलिस को जो है इसे फॉरवर्ड, उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है फर्दर एक्शन के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू रिपोर्ट समथिंग अदर देन साइबर क्राइम केसेस और इन केस ऑफ एन इमरजेंसी प्लीज कॉन्टेक्ट योर लोकल पुलिस बाय डायलिंग 100। और यदि आप यहाँ पे लिखा है, यदि आप चाहते हैं कि साइबर क्राइम केसेस से अलग कुछ ऐसा मैटर अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो, और यदि और किसी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है तो आप लोकल पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, लोकल पुलिस को बुला सकते हैं 100 नंबर पर डायल करके। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, यानी कि जो वो आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल और उनके आंसर जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद साइबर अवेयरनेस है, ट्विटर के माध्यम से साइबर दोस्त के नाम से जो है एक ट्वीट्स जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की अवेयरनेस जो है यहाँ पर ट्वीट्स के माध्यम से दी जाती है। उसके बाद आप सबसे नीचे जो है अदर वेबसाइट्स के आप लिंक दे सकते हैं, टोटल 3 वेबसाइट्स के यहाँ पर लिंक है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो
तो खास तौर पर यहाँ पर हम दो तरह के यहाँ पर सोर्सेज की बात कर रहे हैं, दो तरह के फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दो तरह के प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम जो है अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन बात तो और महत्वपूर्ण बात है कि इस पोर्टल का उद्देश्य आखिरकार है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग रिपोर्ट करना है, यानी कि कोई भी साइबर क्राइम या तो वो फेसबुक के माध्यम से किया जा रहा है या फिर किसी व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा है, जियो चैट के माध्यम से किया जाता है, स्नैपचैट के माध्यम से किया जा रहा है या फिर किसी और भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि किसी प्रकार का साइबर क्राइम हो रहा है और यदि आप उसके विक्टिम हैं या फिर आप किसी विक्टिम के रिश्तेदार नातेदार या किसी प्रकार से भी आप संबंधित हैं और यदि आप एक आम नागरिक भी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं और यदि आपको उस बारे में नॉलेज है, जानकारी है, तो आप उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप रिपोर्ट उस क्राइम साइबर क्राइम के रिगार्डिंग आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। और खास तौर पर ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है जहां पर कई प्रकार से कई लोगों को कई महिलाओं को इस प्रकार की धमकी दी जाती है या किसी प्रकार के कोई भी ऑब्सीन आर्टिकल्स यदि उनके पास भेजा जाता है या किसी प्रकार से रेप की या फिर किसी और तरीके से ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और चैट सोर्स के माध्यम से जो है धमकी दी जाती है या फिर किसी और प्रकार का क्राइम या किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफी या कोई वीडियो जो है उनकी वायरल करने की धमकी दी जाती है या वायरल कर दी जाती है, तो सिचुएशन में वो उन विक्टिम नहीं चाहती है कि उसके किसी प्रकार से नाम जो है वो सामने आए और वो बहुत अपने आप को कॉन्शियस रहती है उस मुद्दे को लेकर और उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर। तो ये इस पोर्टल के माध्यम से गुप्त रूप से जो है विक्टिम इस बारे में इन्फॉर्म कर सकती है और उस बारे में जो है भारतीय सरकार के द्वारा और पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उस सारी जानकारी को जो भी दी जाती है उसको जो है सेफ रखा जाता है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और उसको एक तरह से गुप्त रखा जाता है, किसी प्रकार की मीडिया को या फिर किसी और तरीके से लोगों को उस बारे में पता नहीं चल पाता है। हालांकि ये भी एक हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जो है विक्टिम से मिल सकती है, उसके बयान रिकॉर्ड कर सकती है किसी और तरीके से, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि किस प्रकार से इस पोर्टल के माध्यम से कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है और साइबर क्राइम को किस प्रकार से डिटेक्ट करके और जो भी कल्प्रिट है, जो भी ऑफेंडर है, जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, वो पुलिस की अपनी कार्रवाई है। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो पोर्टल है ये लाया गया है एक सुओ मोटो एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था एक रिट पटीशन में जिसका नंबर है 3/2015 और उसके ऑर्डर के मद्देनजर, उसकी गाइडलाइन के मद्देनजर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मद्देनजर इस पोर्टल को भारतीय सरकार के द्वारा लाया गया है जिससे कि बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है साइबर क्राइम यदि घटित होता है और यदि इस प्रकार की यदि जो कैटेगरीज इसमें दी गई हैं उसकी कैटेगरी में यदि वो कंटेंट्स फॉल करते हैं वो कंप्लेंट फॉल करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। हालांकि ये पोर्टल नया है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी अब देखने की बात यह है, वो तो फ्यूचर पे पता चल पाएगा कि किस प्रकार से इस पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। अभी तक कोई जानकारी इस बारे में नहीं है, जैसे ही मुझे कोई फर्दर जानकारी मिलती है तो मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आप दो तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट अनोनिमसली यानी कि गुप्त रूप से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को गुप्त रखते हुए आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट एंड ट्रैक, और यहाँ पर दूसरे तरीके से रिपोर्ट। ये दोनों ही तरह की रिपोर्ट कैसे की जानी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम रिपोर्ट अनोनिमसली को हम जैसे क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया पेज खुलता है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वही इंस्ट्रक्शंस आमतौर पर वही इंस्ट्रक्शंस है जो आपने पीछे पढ़ी थी कि किस प्रकार से ये एक रिट पटिशन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, और उसके बाद रिपोर्ट एंड ट्रैक, इसको ट्रैक आप स्टेटस देख सकते हैं, उसको हम जैसे ही ओके करते हैं तो आपको एक नया पेज मिलता है रिपोर्ट एनोनिमसली, यानी कि गुप्त रूप से आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कैटेगरी ऑफ क्राइम सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी है, रेप, गैंग रेप और सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट कोई है तो उसके रिगार्डिंग यदि कोई कंप्लेंट है तो यहाँ या इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल कोई है तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है उसके आगे प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट, एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड मे हेल्प ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर लिखा गया है कि आप यदि सस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, यदि आपको पता है तो आप इसमें डिटेल्स दीजिए नीचे, और जो भी आप डिटेल्स देंगे उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। यानी कि यदि आपको नाम पता है तो आप यहाँ पर नाम फिलअप कर सकते हो सस्पेक्ट का, और एनी अदर डिटेल्स, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया यूजर नेम और URL, मैसेजिंग ऐप, फोन नंबर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जियो चैट एक्सेट्रा, ईमेल एड्रेस फ्रॉम विच क्वेश्चनेबल कंटेंट वॉज रिसीव्ड और शेयर्ड। अब यहाँ पर वुमेन सेफ्टी को देखते हुए और चाइल्ड सेफ्टी सेफ्टी को देखते हुए और हर तरह की सेक्सुअल क्राइम के मद्देनजर जो है यहाँ पर दिया गया है कि यदि आप कल्प्रिट का नाम जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस कॉलम में आप फिलअप करेंगे, और उसके अलावा जो है सोशल मीडिया URL या यूजर नेम अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर यूजर नेम URL वो पर्टिकुलर कंटेंट का URL जो है आप डाल सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करके, और यहाँ पर वो मैसेजेस को आप जो है स्क्रीनशॉट या किसी और तरह से व्हाट्सएप या स्नैपचैट या जियो चैट पे आपको कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ या किसी और प्रकार का कंटेंट आपको मिलता है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोई ईमेल अगर आपके पास है तो आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, ईमेल कंटेंट आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो है मैक्सिमम लिमिट जो है 1500 करेक्टर्स है, आप यहाँ पर 1500 करेक्टर्स के अलावा यानी 1500 करेक्टर्स ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस कॉलम में। इस कॉलम के बाद जो है आगे दिया गया है कि क्राइम ऑब्लिक इंसिडेंट डिटेल, काइंडली फिल इन द बिलो टेबल विद द डिटेल्स ऑफ क्राइम, इन केस द डिटेल्स आर नॉट नोन सिलेक्ट योर स्टेट टू रिपोर्ट द कंप्लेंट टू द रिस्पेक्टिव पुलिस ऑफिस। अब यहां पर दिया गया है कि आप जो है क्राइम के रिगार्डिंग डिटेल्स यहां पर फिलअप करें, और अगर आपको क्राइम के रिगार्डिंग डिटेल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको स्टेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप जो है ना अपना स्टेट जो है सिलेक्ट करें जहां पर आपने उस कंटेंट्स को पढ़ा या देखा है, या जहां पर आप उस कंटेंट्स को रिसीव करते हैं, किसके द्वारा वो भेजा गया था या किस प्रकार से आपने आपको वो किस सोर्सेज के माध्यम से मिला था, वो सारी डिटेल्स जैसे कि अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, यदि आपको डेट एंड टाइम पता है इंसिडेंट का तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इंसिडेंट और डेट एंड टाइम ऑफ रिसीविंग, अगर आप डेट और टाइम जब आपने रिसीव किया, डेट अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ व्यूइंग ऑफ कंटेंट कंटेंट यदि आपने उसको उस डेट को और टाइम को आप बता सकते हैं कि जब आपने उसको व्यू किया था, तो वो सारी डिटेल्स जो आप यहाँ पर डेट और यहाँ पर टाइम जो है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप स्टेट जो है आप डालेंगे, जैसे ही आप स्टेट डालते हैं जैसे कि हरियाणा डालते हैं या फिर आप दिल्ली डालते हैं या फिर आप आंध्र प्रदेश डालते हैं, जो भी मतलब जिस भी स्टेट में वो कंटेंट देखा गया है उस स्टेट का आप डालते हैं ब्यौरा, और जैसे ही आप डालते हैं उसके बाद जो है आप डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कंटेंट को भेजा गया है या आपने रिसीव किया है या आपने देखा है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हरियाणा फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर किसी भी जैसे अम्बाला में फिलअप कर देता हूँ, और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन है यदि डिटेल है तो यहाँ पर अम्बाला में जितने भी पुलिस स्टेशन अम्बाला के अंडर आते हैं, यहाँ पर जिस भी पुलिस स्टेशन के अंडर वो मामला आता है, यहाँ पर यानी कि जहां पर आपने वो मामला देखा है और वहां का जो भी पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन आप यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे। और उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स, किस प्रकार
प्रकार का इन्फॉर्मेशन सोर्स था, फेसबुक पे देखा था, ट्विटर पे देखा था, व्हाट्सएप पे देखा था, स्नैपचैट के माध्यम से आपको मिला या इंस्टाग्राम के माध्यम से आपने देखा, ईमेल के माध्यम से आपको मिला, या अटैचमेंट्स थी, कोई वेबसाइट या यूआरएल आपने आपने सर्च किया था या आपने देखा था, या अदर सोर्सेज किसी प्रकार के थे जिसके माध्यम से साइबर क्राइम जो है आपने घटित होते हुए देखा, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई है तो आप यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1500 करेक्टर्स यानी 1500 यानी 1500 करेक्टर्स के से ज्यादा आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक इमेज है, कैप्चा है, आप जो है उसको इसको जो है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इस कॉलम में फिलअप करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाती है। और तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये एक इमेज है, यदि आपको समझ में नहीं आती तो आप दूसरी इमेज को जो है यहाँ पर रिफ्रेश करने के द्वारा दूसरी इमेज को यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको आप यहाँ पर कॉलम में जैसे ही फिलअप करते हैं उसके बाद जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपकी कंप्लेंट जो है सबमिट हो जाती है। ये अनोनिमसली रिपोर्ट है, यानी कि एक गुप्त रूप से दी गई रिपोर्ट है, जिसके बारे में आपकी जो भी सूचना आप देते हैं, आपका नाम, आपका पता, आपका राज्य और आपकी सारी चीजें जो आप सूचना दिए है और जिस भी सोर्स से आपने दी है, वो सारी सूचना जो है गुप्त रूप से रखी जाती है और गुप्त रखी जाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। अब मैं आपको दूसरी प्रकार की रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरे प्रकार की रिपोर्ट किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको रिपोर्ट एनोनिमसली के बारे में बताया और उसके बाद अगर आप रिपोर्ट एंड ट्रैक को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर जो है एक नया पेज देख सकते हैं। यहाँ पर सिटीजन लॉगिन है और एक अथोराइज्ड एजेंसी लॉगिन है। अब अथोराइज्ड एजेंसी लॉगिन तो वो है जब आप यूजर आईडी आपको मिल जाता है, पासवर्ड आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपका सिटीजन लॉगिन है तो सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, नाम डालने के बाद जैसे ही यहाँ पर मैं अपना नंबर डालता हूँ और तो फिर सेंड ओटीपी जैसे मैं करता हूँ तो मेरे पास जो है एक ओटीपी आएगा मेरे नंबर पर और यहाँ पर लिखा हुआ है एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ओटीपी डालूंगा तो मेरे नंबर पर जो है ओटीपी आ चुका है और इस ओटीपी को जैसे ही मैं डालता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर जो ये कैप्चा है इसको इस इमेज को जो भी इसमें दिया हुआ है उसको मुझे, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नया जो है पेज खुल के सामने आया और इसमें जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पर तीन कैटेगरी है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था रिपोर्ट एनोनिमसली के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसमें भी दो कैटेगरीज थी, यहाँ पर तीन कैटेगरीज हैं, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, ऑब्सीन ऑनलाइन कंटेंट है, रेप है, गैंग रेप और सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट तो कैटेगरी है तो आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेट डेट टाइम और इंसिडेंट रिसीविंग व्यूइंग ऑफ कंटेंट, यानी कि आप वो अप्रोक्सीमेट डेट और टाइम जो है इंसिडेंट की यदि आपको पता है तो आप यहाँ पर डेट और यहाँ पर टाइम डाल सकते हैं, जिस समय आपने कंटेंट आपको रिसीव हुआ किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी आपने साइबर क्राइम जो इंटरनेट के किसी भी सोर्सेज के माध्यम से आपने देखा, आपने रिसीव किया या फिर आपने देखा, तो आप यहाँ पर डेट और टाइम डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन सोर्स क्या रहा, फेसबुक था, ट्विटर था, व्हाट्सएप था, स्नैपचैट था, इंस्टाग्राम था, ईमेल था, अटैचमेंट्स थी किसी प्रकार की या फिर वेबसाइट या कोई यूआरएल लिंक अगर आपको पता है या अदर टाइप की कोई सोर्स था तो आप यहाँ पर उसके बारे में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, और यदि आपके पास एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है इंसिडेंट के रिगार्डिंग, विक्टिम के रिगार्डिंग या फिर सस्पेक्ट के रिगार्डिंग या फिर इंसिडेंट किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, कहां से, किस प्रकार से क्या किया गया, वो सब आप जो है 900 कैरेक्टर्स तक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सब सस्पेक्ट डिटेल्स, यहाँ पर प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट, यदि आपको सस्पेक्ट की डिटेल्स पता है तो आप यहाँ पर सस्पेक्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं। और एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड मे हेल्प ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा दी जाएगी उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा यानी कि गुप्त रखा जाएगा और साथ में वो हेल्प करेंगी इन्वेस्टिगेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर डू यू वॉन्ट टू शेयर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, हालांकि यहाँ पर ये कॉलम दिया गया है कि
कि क्या आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो सस्पेक्ट का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, आप उसे शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और जैसे ही यस करेंगे तो आप सारी डिटेल्स जो है इसमें, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, कॉलोनी, विलेज, टाउन, सिटी जो भी है, तहसील कौन सी है, कंट्री इंडिया ऑलरेडी दिया हुआ है, स्टेट कौन सा है जैसे हरियाणा हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो हरियाणा के अंडर जैसे अम्बाला हो गया, और पुलिस स्टेशन कौन सा है, और तो पुलिस स्टेशन जो भी आते होंगे जैसे अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, या जो भी पुलिस स्टेशन के रिगार्डिंग वो बंदा अंतर्गत, जिस भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तो उसका एरिया आता है, तो पुलिस स्टेशन डाल के यहाँ पर आप पिन कोड डाल सकते हैं और ये डिटेल्स आप दे सकते हैं सस्पेक्ट की। और यदि आपको सस्पेक्ट की डिटेल्स नहीं देनी है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो उस आधार पर भी आप नो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कंप्लेनेंट डिटेल्स, आपकी डिटेल्स ऑलरेडी जो आपने फिलअप की थी लॉग इन करने के लिए, तो आपकी फिलअप यहाँ पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपका नाम और नंबर आ जाता है। और यहाँ पर रिलेशनशिप कि विक्टिम के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विद द विक्टिम, क्या आप फादर हैं, गार्डियन हैं, हस्बैंड हैं, मदर हैं, अदर कोई प्रकार का रिलेशन है, सेल्फ है, या फिर आप वाइफ हैं, यानी आपकी खुद आप विक्टिम है, या किसी प्रकार से भी जो है आप उस क्राइम के रिगार्डिंग जो है आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद आपने अपना यानी कंप्लेनेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है यहाँ पर डालना है, उसी तरीके से जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, कॉलोनी, टाउन, विलेज, टाउन, सिटी, तहसील, कंट्री ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पर, आप जैसे हरियाणा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यदि हम जो कंप्लेनेंट है यदि हरियाणा में वो यदि भिवानी का रहने वाला है तो भिवानी सिलेक्ट कर लिया, और किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है भिवानी में वो एरिया पड़ता है, जिस क्षेत्र में आप रहने वाले हैं, जहाँ पर इंसिडेंट को घटा था, घटित हुआ था, वो जो है थाना आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कैटेगरीज में से, और यहाँ पे इस कॉलम में आप अपना पिन कोड, एड्रेस, पिन कोड जो भी है आपका डाल देंगे, और उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये कंप्लेंट आपकी सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो है एक नंबर आपको दिया जाएगा, और उस नंबर के आधार पर आप जो है यहाँ पर चेक स्टेटस पे जाकर इसको क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को, आप अपने कंप्लेंट की जो यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप डालते हैं तो आप उस स्टेटस को, अपने कंप्लेंट के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में मैं एक अलग से स्टेटस के रिगार्डिंग कैसे चेक किया जाता है वो भी मैं अलग से आपको वीडियो एक जो है बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज मैंने बताया कि आप जो है दो तरह से कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोर्टल के माध्यम से किसी प्रकार का साइबर क्राइम यदि होता है, यदि किसी और के संदर्भ में साइबर क्राइम हुआ है, या फिर आप खुद उस क्राइम के में विक्टिम हो, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर त्वरित रूप से भारतीय सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया ये दो तरह की कंप्लेंट्स के बारे में, मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट एनोनिमसली किस प्रकार से किया जाता है, और रिपोर्ट ट्रैक, रिपोर्ट एंड ट्रैक यानी दूसरी तरीके से रिपोर्ट किस प्रकार से किया जाता है, दोनों ही तरह की ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल क्रॉस मर्सी लॉ स्टार को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन जो है उसको जरूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सचेत रहें, खुश रहें। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।